वेलकम, जय हिंद माई डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज मैं गुरकीरत कौर आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ। बहुत मन कर रहा था आप सबसे बात करने का कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों के बारे में। तो मेरी आज की इस वीडियो को ज़रूर गौर से सुनना भी है और समझना भी है, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी सेल्फ मोटिवेटेड एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी जोर और शोर से कर रहे होंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमने एक बार उस वर्दी को धारण करने का सोच ही लिया है तो फिर मुश्किलों से क्यों घबराना। अपनी राह पर चलते रहना है, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना है और अपने आप से जितने एफर्ट्स और पॉजिटिव डाल सकते हैं उतने डालने हैं, राइट। इस समय ये सोचना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, रादर देन थिंकिंग ओवर इट, बिकॉज इसको सोचने के लिए ऑलरेडी शिशिर सर जो है अपने प्रयास लगा रहे हैं। आपको एज अ स्टूडेंट जो आपका कर्तव्य है वो करना चाहिए, और वो क्या है कि अभी आपको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना है। सो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपसे जहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करूँगी, वहीं मैं आपको अप्राइज भी कराना चाहती हूँ कि वो ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं जो शिशिर सर ने लिए हैं सो दैट एमएनएस 2022 एस्पिरेंट्स के हित में बात हो सके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शिशिर से लाइव आइए, शिशिर से लाइव क्यों नहीं आ रहे, तो इन क्वेश्चंस का सबसे पहले मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ, ठीक है। शिशिर सर लाइव इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बार बार लाइव नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ये कन्वे कराया है, वो अपने कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। हम सब की तरफ से जो एक केस फाइल किया गया है, हम सब की तरफ से जो चीज़ें प्रोसीड की गई हैं, वो उन फाइनल जो जजमेंट है, वर्डिक्ट है, उसका वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही चीज़ों में एकदम क्लैरिटी होती है वैसे ही वो इंसान ही होंगे जो सबसे पहले लाइव आके आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, बीइंग एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, वो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो आप सबको राइट टाइम पे हेल्प करें। एट द सेम टाइम जब हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का लार्जेस्ट बैच इंडिया में चलाते हैं, जब सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी ने एमएनएस की अवेयरनेस पूरे इंडिया में फैलाई है, जब सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी हर वर्ष हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस करती है, तो क्यों वो इस बार भी पीछे हटेगी, राइट स्टूडेंट्स। इस बार भी हमें वही रिकॉर्ड मेंटेन करना है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है ऑफ क्रिएटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब मैं बात करती हूँ, इन दिनों यूट्यूब में जो हमारी आईटी टीम है वो हमें रिपोर्ट कर रही है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और ऐसे जो चैनल्स हैं जो एमएनएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो वहाँ पे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो यूट्यूब चैनल्स को चलाते हैं, तो वो कैजुअल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह ये भी पाया गया है कि शिशिर सर के जो भी चीज़ें रही हैं उसको कॉपी भी कर रहे हैं और एन नंबर ऑफ एक्स वाई जेड चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं विच आर टोटली कैजुअल। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी कैजुअल स्टेटमेंट पास हो रही है, केसेस के बारे में बताया जा रहा है कि केस फाइल हो चुके हैं, और जितनी भी ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा भी इनलाइटमेंट दिया जा रहा है, तो मैं बताऊँ कि ये सब चीज़ें बहुत कैजुअल हैं। आपको नहीं पता होगा शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि हम पहले से ही किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ के लिए अपनी फाइट कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हम उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज कर देंगे, आज ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो इन तरीके की चीज़ें ना करें। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग जो इस पूरे एमएनएस 2022 एग्ज़ाम की सीरियसनेस है, काइंडली इस तरीके के कैजुअल स्टेटमेंट मत पास करें जब तक कोई भी वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि कोई भी हेयरिंग होती है जो भी कोर्ट में होती है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसको इवन एक एडवोकेट भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट टेल एनीथिंग और एनी हाउ जो भी चीजें हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो रहा है, दैट्स नॉट गुड। एंड इस समय शिशिर सर लाइव क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस तरीके से
लाइव आके या डेली आपको कुछ ना कुछ बता के वो आपको आपके जो मोटिव है आपके गोल है उसे डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपको थोड़ा सा चेंजेस नज़र आए होंगे, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको पीसीबी को थोड़ा सा ज़्यादा डोज में दिया जा रहा है। अभी कल ही हमने नीट की भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक वीडियो डलवाया गया था उसके द्वारा, टीम के द्वारा, और उसके बाद में एक दिन पहले अगर आपने चेक किया होगा तो एमएनएस और नीट के सिलेबस के बारे में भी आपको अप्राइज कराया गया। ये सब क्यों कराया जा रहा है? रैदर देन आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है हम उस पे वर्क कर रहे हैं, नॉट ऑन जिस पे नहीं फोकस करना है। तो इस समय आपको क्या करना है वो यही करना है। दो पूरी कोशिश है शिशिर सर की कि आपके नोटिफिकेशन आने से पहले पहले नेक्स्ट वीक में सभी चीज़ें एकदम प्रॉपर वर्डिक्ट आ जाए। पूरी टीम लगी हुई है, हम सब ने जो चीज़ें करी है, हम सबके जो एफर्ट्स हैं, सबके एफर्ट्स एनर्जी लगी हुई है, लेकिन इसके लिए अभी आपको राइट डायरेक्शन में वर्क करना है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो शिशिर सर ने लिए हैं फॉर यू ऑल, ताकि आप सबके लिए बेनिफिट हो सके। सो इसमें से जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो ये है, मीटिंग विद द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इसमें से सबसे पहला स्टेप है मीटिंग विद द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, शिशिर सर व इंस्टीट्यूट के हायर ऑफिशियल्स ने खुद ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है और साथ ही साथ में अपना जो पूरा रिक्वेस्ट है उन्हें रेज किया है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पूरी मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी ने खुद पॉजिटिव होप्स दिए हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। उन्होंने बताया है कि डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट, जो बेहतर हो सकता है हम उस तरीके से उसको प्रोसीड कराएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, मैं आपको बता दूं, जो कि लिया गया था सो दैट somebody हु इज होल्डिंग द सुप्रीम पोजिशन ऑफ दिस प्लेस उनके नॉलेज में ये चीज़ डाली जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रोसीड हुई हैं। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेप लिया गया है वो ये है कि हम सबके द्वारा एक केस फाइल किया गया है, और ये केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, एंड मे बी इन द नेक्स्ट वीक आपको, मैं इतना भी चाहती हूँ कि आपकी नोटिफिकेशन की डेट 7th के अकॉर्डिंग दी गई है, उससे पहले पहले करीबन 5 या 6 तारीख से पहले पहले हमें फाइनल वर्डिक्ट भी मिल जाएगा, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हमें पता चल जाएगा। और जैसे ही हमें ये पता चलता है वैसे ही शिशिर सर खुद लाइव आएंगे और आपसे बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन तब तक के लिए वो आपसे कोई भी अपडेट नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने से अपनी चीज़ों को बचाना चाहते हैं, हमें उतना पब्लिसाइज नहीं करना है। आपको एफर्ट्स का जो रिफ्लेक्शन होगा वो खुद देखेगा, जो भी चीज़ें होंगी उस दिन आपको बताई जाएंगी एंड प्रॉपर तरीके से दिखाई भी जाएंगी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस कोर्ट केस को फाइल करने में बहुत सारी एनर्जी गई है सबकी, फंड मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देर इज़ एक सेपरेट अमाउंट ऑफ फीस होती है जो लगती है, दैट इज़ ऑल्सो बीन गिवन बाय द कंपनी इट्सेल्फ, ताकि इस तरीके से हम आपके लिए अगर फाइट कर सके। वी आर नॉट वरीड अबाउट अवर एनर्जी और दी मॉनेटरी रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें सिर्फ होप ये है कि हम हमारे बच्चों के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स ला पाएं। एंड थर्ड चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि सर ने जो है हायर ऑफिशियल्स ऑफ दी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से भी मुलाकात की है। मैं आपको बता दूं, आप शायद पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सर ने विजिट किया है और उनसे भी बातचीत करी और वहाँ से भी कंसेंसस लेने के लिए सर गए हुए थे। सो आप ये समझ लीजिए कि एफर्ट्स आर ऑन, बट डेफिनेटली यू हैव टू राइट नाउ फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक से तो हमारे बच्चों का पूरा एनसीईआरटी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स के एनसीईआरटी बेस्ड ही पीसीबी का पूरा कोर्स खींचा जा रहा है बहुत हायर लेवल से। आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने पॉजिटिव एफर्ट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए वी आर डूइंग, अब हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा थर्सडेज एंड संडेज को, सो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं एंड हमने पूरा गियर अप कर लिया है कि हम तैयारी आपको करा के ही रहेंगे फॉर दी अपकमिंग एमएनएस 2022 एग्जाम। अब अगले हफ्ते जो भी वर्डिक्ट आता है पॉजिटिव है तो सबसे अच्छी बात है, एल्स व्हाटसोएवर इज द वर्डिक्ट आपको रेडी रहना है और हम तैयारी कराएंगे, क्योंकि हमें क्रिएट करना है अगेन द रिकॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएनएस ऑफिसर्स फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूट, और अपने पिछले साल का रिकॉर्ड हमें ब्रेक करना है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए,
आवर टीचर्स आर पॉजिटिव, आवर टीम इज पॉजिटिव, आई ऑल्सो वॉन्ट कि हमारे स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव. ठीक है बच्चे, इसी के साथ में मैं गुरकीरत कौर अभी आपसे अलविदा लूंगी और अपने आने वाले कुछ दिन के वीडियो से आपको मैं अप्राइज थोड़ा बहुत कराती रहूंगी इन चीज़ों के बारे में. बट मैं इस पर मेजरली ना टॉक करते हूँ कि कोर्ट में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है. मैं आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाऊंगी कि अब आपकी अप्रोच होनी क्या चाहिए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए. आई विल इंश्योर कि डेली यू रिसीव एटलीस्ट अ वीडियो ऑफ माइन सो दैट आप कनेक्टेड रहे, पॉजिटिव रहे और अपनी बेस्ट एनर्जी के साथ में अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे. मिलती हूँ जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में और अपनी आगे की स्ट्रैटेजी के साथ में कि अब तैयारी आपकी जीत की हम कैसे कराने वाले हैं. तब तक के लिए बने रहिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ में. खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए. जो भी होगा जीवन में हर चीज का सॉल्यूशन है और एमएनएस का भी सॉल्यूशन आएगा. हार नहीं माननी है, बस विजय गाथा में आपको आगे बढ़ते रहना है. धन्यवाद. जय हिंद.